हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। व्यूअर्स, आपके पर्सन, वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप जानना चाहते हो, वो व्यक्ति आपको लेके भाई क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में, हम उनकी क्या थिंकिंग है, चलिए देखते हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखें, हर एक बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि समटाइम रीडिंग 100% भी रेजोनेट हो जाती है और समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है, ठीक है? तो ओपन माइंड से रीडिंग देखिएगा। अगर आपको इसे क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप पर्सन रिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रिंग जो होगी चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन। मैं इसलिए आपके पर्सन बोल रही हूँ क्योंकि उसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है? तो आप उस पर्सन का नाम लीजिए जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, एटलीस्ट 3 टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति इनके लिए क्या सोचते हैं, इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग इनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें इनके लिए उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। 9 of Cups, वाओ, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। 10 of Cups भी आ गया, टावर भी आ गया, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे 3 of Cups है, यहाँ पे एम्परर भी आ गया है। चलो, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है Queen of Cups। एक गाना याद आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी देख के। आप कहोगे दीदी को गाने बहुत याद आते हैं, आ जाते हैं, आपकी सिचुएशन ही क्रिएट करा देती है। बिन तेरे साजना एक पल भी रहा जाए ना, जिया जाए ना, ऐसे है ना कुछ, बिन तेरे ऐसा कुछ है गाना, याद कर लेना। बहुत गाना पुराना है वो, मे भी पता नहीं मैंने कब सुना था, मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही है। याद आ ही गया होगा आपको गाना, है ना, कि बिन तेरे सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बहुत पुराना गाना, बहुत ओल्ड सॉन्ग है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँ जब तक मैं आपको राशि बता देती हूँ। यहाँ पे राशि है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स 9 of Cups की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। करेज 10 of Cups की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। कंप्लीशन टावर को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। तेरे बिना बहुत याद आ रही है आपके पर्सन को इस वक्त आपकी, ठीक है? बॉटम से है रिबर्थ। ओके, मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ एक व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, बट वो यहाँ पे अपनी मैच्योरिटी से फाइट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो से मतलब हम करना तो चाहते हैं पर हमें वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि हम पले बड़े एक दायरे में होते हैं और वो दायरा हमें खुद अलाउ नहीं करता कि हम उस दायरे के बाहर जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो हमें तो सुकून देगी पर दूसरों के अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं है, ठीक है? दूसरे उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, दूसरे उसको गलत निगाह से देखेंगे, दूसरों के अकॉर्डिंग वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है? बट ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इस पर्सन ने आपको बेशक किसी वजह से आपका कनेक्शन तोड़ा हो, लेकिन वो मुझे जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, वो दिखा रही है कि इस पर्सन को ऐसा करना पड़ा, ठीक है? इन्होंने खुशी से नहीं किया, आपका रिश्ता जो सेक्रीफाइस किया ना आपके पर्सन ने, आपको आपको छोड़ा है आपके पर्सन। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब आपके साथ में मे बी कुछ लोगों के साथ में ये बात रेजोनेट नहीं होगी, मैंने कहा था जनरल प्रिडिक्शन है,
ठीक है, तो आपके पर्सन सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा है, हमारा रिश्ता अगर टूटा है तो तुम ये जान लो मैंने तुम्हें खुशी से नहीं छोड़ा है। मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ में है, मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ में है, मेरी खुशियाँ तो तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे साथ ही मुझे वो जो एक होता ना परफेक्शन और सम काइंड ऑफ कम्प्लीशन की हाँ लाइफ में लाइफ हो तो ऐसी हो, लाइफ में पार्टनर हो तो आपके जैसा हो, लाइफ चले तो आपके आपके साथ जैसी चल रही थी वैसी चले, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो तो आपकी तरह जैसी हो। तो आप उनके लिए एक आइडल पार्टनर हो, एक ऐसे पर्सन हो जिसकी इस पर्सन को हमेशा से ज़रूरत रही है, आप एक ऐसे पर्सन हो। इसीलिए वो गाना मुझे चैनल हुआ कि तेरे बिना जिया जाए ना, यानी आप उनसे दूर हो और वो पर्सन आपको पाने के लिए इतने बेताब है, इतने तड़प रहे हैं कि जी नहीं पा रहे हैं, उस पर्सन की यह हालत है, ठीक है, पाना चाहते हैं आपको, आपको अपनी लाइफ में किंग और क्वीन की तरह देखते हैं। किंग क्वीन का मतलब ये नहीं है कि वो रियल में किंग है और आप रियल में क्वीन हो, या फिर जस्ट वाइस वर्सा, आप उनके लिए परफेक्शन में हो, आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो जिसकी उनको तलाश थी, जिसकी कमी को वो आज महसूस करते हैं, जिसके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं, जिसके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, जिसके बिना वो अधूरा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं और राइट नाउ की एनर्जी है व्यूअर्स, तो आप समझ सकते हैं ये पर्सन आपको कितना मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, जैसे उनकी ख्वाहिश अधूरी है, अधूरी क्या ख़त्म है, ये एनर्जी वो है। और ये पर्सन यहाँ पे इतने दर्द में क्यों है, क्योंकि इनको देखो दर्द भी इंसान ने कैसे दिया है, इस दर्द को इन्होंने खुद ही स्वीकार करा है, आपको छोड़ के, आपसे रिश्ता तोड़ के। ये चाहते थे, अगर चाहते चाहते थे नहीं चाहते तो ये इस रिश्ते को जब ये परेशानी आई थी तो ये सुधार सकते थे, ये संभाल सकते थे, बट ये कर ना सके, इस रिश्ते को आगे लेके जा ना सके, इन्होंने इस रिश्ते को बीच में जैसे छोड़ दिया, और छोड़ने का जो डिसीजन है इनको मजबूरी में लेना पड़ा। आपके पर्सन तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें खुशी से नहीं छोड़ा है, मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ में है, आज भी मैं तुम्हें ही अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर की तरह देखता हूँ या देखती हूँ, मेरे जीवन साथी अगर कोई परफेक्ट हो सकता है, मुझे कोई सच्चा प्यार दे सकता है तो वो तुम दे सकते हो, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ना तो रही है ना ही किसी ने दी है। इस पर्सन की व्यूअर्स अगर हम फीलिंग की बात करें आपके लिए, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में पास्ट में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है, यानी इनका जो आपके साथ में कनेक्शन रहा है बहुत रोमांटिक रहा है, एक दूसरे के साथ में, मतलब जैसे कहते हैं ना हर एक खुशी बिन मांगे मिल रही थी, हर एक लाइफ में सौगाते सौगाते मिलती चली जा रही थी, खूब अच्छा टाइम वक्त इस पर्सन ने आपके साथ में बिताया है, इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, वो इस पर्सन की व्यूअर्स मुझे यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है आपको लेके, और ये पर्सन उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये चाह के भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ये चाह के भी अपने दिमाग से अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, बट ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये अपने आप को ना ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये आपको आपको पाने की, आपसे जुड़ने की, आपसे बात करने की, यस मैं आपसे कहूँगी स्टिल दे वॉन्ट टू टॉक विद यू, आपसे बात करने की इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, आपसे मिलने की भी है, बट ये पर्सन अपने अंदर ही जूझ रहे हैं, ठीक है, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैंने बोला था इंसान कुछ ऐसे सिचुएशन में होता है, या फिर ये अपनी सिचुएशन ऐसी ही मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे कि मेरी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वो समवेयर गलत है, ठीक है, या मैं ऐसा कर नहीं सकता बिकॉज इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा पहले भी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था, ठीक है, यानी वो बातें इस पर्सन के माइंड में अभी भी एज इट इज़ भरी हुई हैं, ये चाह के भी चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस बर्डन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो इनको किसी ने, मतलब किसी के, जैसे कहते हैं ना सोसाइटी की नज़रों में ये चीज़ें गलत हैं, तो गलत है तो गलत है, ठीक है, मतलब एक हो सकता है ये पर्सन व्यूअर्स अब मैच्योर हो गए हों, पहले मैच्योर नहीं थे, अब 30 हो सकते हैं, ठीक है, 30 तो 35 की एज हो सकती है आपके पर्सन की, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले बड़ी हो जाती है ना, मतलब फीमेल में ज़्यादातर ये एनर्जी होती है कि वो वक्त से पहले बहुत मैच्योर हो जाती है, अच्छा बुरा समझने लगती हैं अपनी लाइफ का,
कुछ ऐसा भी होता है तो आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी हो सकती है कि भाई वो वक्त से पहले बड़े हो गए, या फिर उनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ठीक है, जिम्मेदारियों का बोझ लेके चल रहे हैं, या फिर इनकी सोच अब आके आपको लेके बदल चुकी है, पहले में भी ऐसे नहीं थे लेकिन अब ऐसे हो गए हैं आपके पर्सन, तो ये एनर्जी है। बट दे समवेयर वांट, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में फिर से आप लोग मिले, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहें, ठीक है, आप दोनों के बीच में संबंध हो, क्योंकि इनको जो कहते हैं ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो आपके साथ में मिलता है। ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ये मे भी हो सकता है ये पर्सन जैसे कि थोड़ा सा एजेड मुझे जैसे फील हो रहे हैं ना एज की हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से, तो इस तरह के सॉन्ग सुनते होंगे, ओल्ड सॉन्ग वगैरह हो सकता है इनका टेस्ट रहा हो आपके पर्सन का, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों का रिश्ता बनने वाला था और बनते बनते टूट गया किसी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, मे बी आप लोगों की शादी होने वाली थी एक दूसरे के साथ में लेकिन वो टूट गई है, शादी आपकी, आपके ड्रीम बिखर गए एक दूसरे को लेके, सपने अधूरे रह गए, ठीक है, कुछ लोग के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को ये ऐसा, मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये पर्सन चाहते तो मेरा रिश्ता इनके साथ में हो सकता था, बट इस पर्सन ने स्टेप बैक ले लिया, तो हाँ ये एनर्जी है यहाँ पे कि ये इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस में है, यस आई एक्सेप्ट दिस कि मुझसे ये चीज़ें हुई हैं, ओके, जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ नहीं दिया और मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन तुमसे रिश्ता तोड़ के या तुमसे दूर जाके मेरी लाइफ में भी कोई खुशी नहीं है। अगर मैंने तुम्हें टावर दिया है तो मेरी लाइफ भी टेन ऑफ सोर्ड की है, अगर मैंने टेन ऑफ सोर्ड झेला है तो तुमने भी झेला है, क्योंकि रिश्ता तो हम दोनों का ही था, है ना, जो दर्द मैं झेल रहा हूँ वो दर्द तो तुम भी झेल रही हो या तुम भी झेल रहे हो, ऐसा तो है नहीं, जब हमारे सपने एक थे, हमारा हम दोनों एक थे, हमारा रिश्ता एक था, और जब वो नहीं हो पाया एक तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो वो आपका दर्द भी यहाँ पे समझते हैं लेकिन वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये भी सिचुएशन यहाँ पे है, वो समझते हैं कि उनकी वजह से आपको भी कितना दर्द मिला है, आपने भी तो अपनी उम्मीदें खोई हैं, आपने भी तो अपना सपना टूटते हुए देखा है, आप भी तो इसी सिचुएशन से एक ही नाव के दो मुसाफिर हो, एक ही साथ तो ट्रैवल कर रहे थे, एक ही इस तरह तो आप दोनों की ज़िंदगी थी, एक दूसरे के साथ ही तो चलना चाहते थे, एक दूसरे का साथ ही तो चाहते थे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसी ऐसी बातें हुई, ना तो आप आगे बढ़ पाए ना आपके पर्सन आगे बढ़ पाए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाए, आपकी जो मंजिल थी जो आप लोगों ने सोचा था एक दूसरे को लेके, राइट। तो ये है व्यूअर्स, आप भी यहाँ पे चुप हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे चुप हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपने में गुमसुम हो, वो अपने अंदर खोए हैं, ना उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी है ना आपकी ज़िंदगी में कोई यहाँ पे बैलेंस है, आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, वो सोच रहे हैं आपको लेके, आप उनको लेके भी सोच रहे हो, मैं ये कहूँगी दोनों ही इमोशनल एनर्जी है, ये एनर्जी दोनों ही इमोशनल है, आप और आपके पर्सन की, ये प्रैक्टिकल होने वाली एनर्जी है ही नहीं। लेकिन हाँ ये कहूँगी कि एक ने दूसरे के लिए मतलब सब कुछ छोड़ दिया और एक ने लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, आप जैसे कहते हैं ना मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तूने, वो गाना भी सुना होगा आपने, है ना, तूने मुझको ही छोड़ दिया, तो ये भी है यहाँ पे, वो जानते हैं कि आप पे भी क्या बीत रही है, ऐसी बात नहीं है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और इनके पर्सन के क्या मैसेज हैं, वो इनको और क्या बोलना चाहते हैं। कॉम्प्लेंसी विक्टिम इनसिक्योरिटी, आपके पर्सन जानते हैं व्यूवर्स, ठीक है, कि यहाँ पे जो गलत हुआ है ना वो आपके साथ में भी हुआ है, आपके साथ हुआ है, इस पर्सन का कहीं ना कहीं डर, इस पर्सन का जो डर था कि कहीं कुछ इमेज पे दाग ना लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या फिर ये गलत है ये सही है, जो भी था इस पर्सन का माइंडसेट, वो व्यूवर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि उससे आपके साथ में गलत हो गया, ठीक है, आप
आपको लेके व्यूवर्स इस पर्सन के मन में एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, बेशक आपको अपनी दिल की बात ना बताएं, बट ये आपको लेके आज भी कहीं ना कहीं फीलिंग में है, ठीक है, आपको फील करते हैं, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब दिखाते नहीं है। अगर ये पर्सन देखेंगे आप तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन अंदर ही अंदर तो टूटा हुआ है लेकिन बाहर कुछ और ही दिखा रहा है अपनी इमेज को, ठीक है, बाहर बहुत स्ट्रांग रफ एंड टफ सम काइंड के, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनसाइड ये भी ब्रोकन है, ये भी टूटे हुए हैं आपसे दूर जाके, ऐसी एनर्जीज है व्यूवर्स। और अपने प्यार को ना पाके ये पर्सन, इनको ऐसा भी लग रहा है समवेयर आप इनकी लाइफ में अब नहीं आओगे, ठीक है, ये आपको जबकि पाना चाहते हैं फिर से, इस पर्सन की वो एनर्जी है, बट इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैंने देखा था आपकी एनर्जी कुछ फ्यूचरिस्टिक आई थी, मैंने आपको बताया था, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि अब मुझे अपने फ्यूचर में कुछ देखना होगा, अपने लिए सोचना होगा, अब ये पर्सन जब नहीं आ रहे हैं तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तो ये भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि अब वो आपको मे बी कभी दोबारा नहीं चाह पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपसे, इनका प्यार और आपका प्यार जैसे कि वो अधूरा ही रह गया इस टावर के साथ में, जबकि वो कंप्लीशन में जाना था, 10 of 10 मिलना था ना यहाँ पे, जैसे दुनिया बननी थी लेकिन नहीं बन पाई। कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ आपके पर्सन के, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के कुछ ट्रू हार्ट मैसेजेस सेंड करिए जो वो इनको अपने दिल से बोलना चाहते हैं। थैंक यू, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, उनको आपका टाइम चाहिए, आपको उनका कमिटमेंट चाहिए। डर रहे हैं आपको खोने से आपके पर्सन, मैंने बोला था इनको है डर ये। आई एम ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो आपके पर्सन ने आपको जो हर्ट किया है व्यूवर्स, जो आपको रुलाया है उसको लेके ये भी हर्ट सा फील कर रहे हैं, इनको भी पता है कि इन्होंने सही नहीं किया है आपके साथ में। आई हैव डिज़ायर टू सी द वर्ल्ड विद यू, इनकी यही डिज़ायर है, मैंने लास्ट में यही तो बोला था, इनको आपके साथ में दुनिया देखना, दुनिया बनाना, ये इनकी डिज़ायर थी, आपकी भी थी, ये भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी डिज़ायर थी तो मेरी भी थी। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, तो किसी और को ये प्यार नहीं कर सकते जैसे कि इन्होंने आपको प्यार किया या फिर आपने इनको प्यार किया। आई कॉन्ट वेट टू लव यू, ये आपको प्यार करे बिना रह नहीं सकते, ज़्यादातर लव मैसेजेस ही आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यही है। आई कॉन्ट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे, मूव ऑन का मतलब ये होता है किसी को भूल के लाइफ में आगे बढ़ जाओ, है ना, फिर पलट के नहीं देखना, लेकिन ये पर्सन नहीं भूल पा रहे हैं आपको, इसीलिए इस तरह के मैसेजेस हैं। सो अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनलिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनलिंग चार्जेबल रहेगी। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप सो आप सो रेजोनेट हुई हो, सो बाय बाय, टेक केयर।